अभी हरियाणा में एक वर्तमान लोकसभा सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे। तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए, जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर, और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिता उम्मीदवार हैं। पहले सब ये गंभीर मामला नहीं है कि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार के वो एक साथ जाते हैं, ये कहीं नुकसान नहीं नजर आता कि कोई भी व्यक्ति अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है उनकी क्या मजबूरियाँ थी, क्या व्यवस्थाएँ थी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अचानक कितना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि ऐसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय है और जनता बताएंगे कि निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल के बाद, अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारी इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे एक दो घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं, और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खासतौर से भाजपा कांग्रेस का।